आज से 10 साल पहले सैमसंग के फोन में जो सॉफ्टवेयर था यार उसे सबसे बेकार माना जाता था और वो था टचविस। लेकिन टचविस के बाद जब से उन्होंने वन यूआई निकाला देख के लग रहा है कि वन यूआई मार्केट में जितने भी एंड्रॉइड इसके अलावा सबसे ज्यादा ऊपर है। चाहे हम फीचर्स की बात करें, सेफ्टी सिक्योरिटी अपडेट्स की, यार हर एक मामले में वन यूआई काफी ज्यादा और पिछले वाले वर्जन से भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है। लेकिन वन यूआई में ऐसी क्या चीजें हैं जो उसे वो दूसरी यूआई से बेटर बनाती है? वेल, सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जांपल है अपडेट्स देने का। यार गूगल ने तो अभी शुरू किया 7 साल के अपडेट देने का। एंड्रॉइड अपडेट के मामले में सैमसंग लिटरली इससे पहले गूगल से अच्छा काम कर रही थी और सैमसंग के कारण ही दूसरी कंपनियों के ऊपर प्रेशर बना कि वो भी अपने फोन के अंदर 4 साल के अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे। सैमसंग इसको नेक्स्ट लेवल पर भी ले गई तो अपने बजट फोन के अंदर भी अपडेट देना शुरू करे और इसको सिर्फ फ्लैगशिप तक लिमिट नहीं रखा। और जैसे गूगल ने अनाउंस किया कि वो अपने फोन में 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देंगे, वैसे ही यहाँ पे सैमसंग ने भी अप कर दिया कि वो भी 5 साल से ज्यादा का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है क्योंकि आज के समय में लोग अपने फोन को लंबे समय तक यूज कर रहे हैं और कई बार लगता है कि एंड्रॉइड अपडेट से ज्यादा अगर सिक्योरिटी अपडेट लंबे समय तक मिले तो वो एक सही चीज है। यहाँ तक की बात करें तो एंड्रॉइड 14 पिक्सल फोन के साथ अभी आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वन यूआई 6 जो रहता है वो ऑलरेडी सैमसंग के फोन को मिलना शुरू हो चुका है। बाकी सारी कंपनीज अभी भी अपने बीटा, ओपन बीटा इन सब के ऊपर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ऑलरेडी स्टेबल वर्जन यहाँ पे रिलीज कर चुकी है। लेकिन सिर्फ अपडेटेड चीज नहीं, जहाँ पे सैमसंग आ गए, सैमसंग यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर भी आ गए। वन यूआई के अंदर लॉक सिक्योरिटी देखने को मिलती है ना, जिसके अंदर आपको एडिशनल लेयर मिलती है सिक्योरिटी की, और ऑन डिवाइस सिक्योरिटी देखने को मिलती है हार्डवेयर लेवल की, यहाँ तक की सिक्योर फोल्डर वगैरह। ये कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी काफी सारी कंपनीज लग करती है और जिससे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है प्राइवेसी की। और लॉक सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो शायद दूसरी कंपनीज को भी करना चाहिए कॉपी। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो सैमसंग के फोन के अंदर काफी सही चीज आती है और वो आती है गुड लॉक्स। अब गुड लॉक्स के बारे में अभी भी काफी सारे लोग सोचते हैं कि सैमसंग जैसी कंपनी ने खुद ने बनाया। वेल एग्जैक्टली, गुड लॉक्स लैब एक अलग है जिसने सैमसंग के फोन के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स को डिजाइन किया है जिसे आप गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि गुड लॉक्स के साथ अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, रीजन स्पेसिफिक और हर एक फोन के लिए अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जिन जिन फोन के लिए अवेलेबल है वहाँ पे आप काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी भी दिक्कत ये कि ये अभी भी सैमसंग के वन यूआई का पार्ट नहीं बने। लेकिन अगर सैमसंग गुड लॉक्स को अगर वन यूआई का पार्ट यहाँ पर बना दे तो इसको ये लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सैमसंग ऐसी कंपनी जो मार्केट में अपना खुद का ओएस यहाँ पे निकाल सकती है और ऑलरेडी वन यूआई आज के समय में इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर वो बिना गूगल के भी चलना चाहे तो चल सकता है। और सैमसंग सिर्फ इसलिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ताकि उसे गूगल का सपोर्ट चाहिए नए वर्जन डेवलप करने के लिए, नए फीचर्स के लिए और भी कई सारी चीजों के लिए। क्योंकि अगर गूगल सैमसंग का सपोर्ट नहीं करेगा तो आप बात मान के रखिए कि जैसे हुआवे ने अपना हार्मनी ओएस बना लिया ना, वैसे सैमसंग भी अपना खुद का ओएस बना सकता है। और दुनिया का अगर सबसे बड़ा मेकर एंड्रॉइड से अलग हो जाएगा ना, इससे एट द एंड ऑफ द डे गूगल का नुकसान होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं वन यूआई को देखूं ना तो बाकी सारे यूआई से काफी ज्यादा लो हो जाता है। यहाँ तक कि आज के समय में जो दूसरे यूआई होते हैं ना वो वन यूआई से इंस्पिरेशन लेते हैं। और एक और एक ऐसी चीज है जहाँ पे वन यूआई काफी अच्छा करता है, वो करता है टैबलेट्स के अंदर। टैबलेट्स के अंदर एंड्रॉइड के अंदर जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डिलीवर किया जा रहा है ना, वो वन यूआई कर रहा है। क्योंकि सैमसंग वाले कई सालों से टैबलेट बना रहे, फीचर्स वगैरह उसके बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे। और सेम चीज होती है आपके फोल्डेबल के साथ। अगर फोल्डेबल फोन्स के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइन यहाँ पर किया है ताकि फोल्डेबल एक्सपीरियंस लार्ज स्क्रीन पर भी मजा ले सके। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे दूसरी कंपनी सब धीरे धीरे सैमसंग को कॉपी कर और अपने यूआई को बड़ी स्क्रीन के हिसाब से डिजाइन यहाँ पे कर रही है। यहाँ तक की बात करें तो स्टेबिलिटी के मामले में भी सैमसंग का वन यूआई दूसरों से काफी बेटर है। हालांकि हमने चीजें सुनी है कि यहाँ पे दूसरी जगह बग्स आ गए, स्टेबल अपडेट नहीं मिला, काफी सारी दिक्कतें आ गई। लेकिन सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जिसने लगातार सबसे कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस को डिलीवर किया। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वन यूआई के अंदर कभी भी बग्स आपको देखने को नहीं मिलते, कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए स्टेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा जरूर रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो सैमसंग है ना वो किसी एंड्रॉइड कंपनी से यहाँ पे कम्पीट नहीं करती, वो डायरेक्टली एप्पल से कम्पीट करती है। और इसी वजह से सैमसंग वाले जल्दी सॉफ्टवेयर सपोर्ट, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट, फीचर्स भी ऐसे डेवलप कर रहे हैं और इसीलिए अपने डिवाइसेस को स्टेबल बनाने के अंदर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और सेम
कहानी यहाँ पर कैमरास के साथ भी। वन यूआई के आने के बाद ज्यादातर सैमसंग के फोन के अंदर कैमरा काफी अच्छा हो गया। ज्यादातर सैमसंग के फोन के अंदर ऐसा कि बस आपको क्लिक करो, आपकी ज्यादातर फोटोग्राफ्स अच्छी आएंगी। और ये भी चीज देखिए कि जैसे जैसे आप थोड़े महंगे सेगमेंट पे जाते हो ना, वैसे वैसे कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी होती चली जाती है। आप खुद देख सकते हैं कि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जब आया तो उसकी क्वालिटी एंड्रॉइड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती थी। और इसके साथ ही बताने की जरूरत है कि काफी सारे एक्सक्लूसिव फीचर भी सैमसंग के फोन के अंदर आते हैं। जैसे कि इंडेक्स की बात करें, ये एक ऐसा फीचर है जिसे दूसरी कंपनीज ने भी कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे सैमसंग इंडेक्स काफी इंटरेस्टिंग फीचर है और काफी स्टेबल है और अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ तक कि अगर आपको टैबलेट के साथ भी इसे यूज करना है तो भी आप इसे कर सकते हैं। और दूसरी कंपनीज आज भी इसको कॉपी करने के अंदर लगी हुई है। और क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सैमसंग ने जब से अपना खुद का इकोसिस्टम यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप किया है, तो एंड्रॉइड के अंदर अगर आप सैमसंग की वॉच लेते हैं, सैमसंग का टैबलेट लेते हैं, उसके साथ जो इंटरकनेक्टिविटी रहती है वो काफी बेटर होती है। और तो और सैमसंग ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज के लिए भी यहाँ पे कंपेटिबिलिटी तैयार करी, ताकि यहाँ पर भी वैसा ही इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके जैसा एप्पल यहाँ पे करती है। एंड्रॉइड के अंदर भी खुद का इकोसिस्टम देखने को मिले। और वन यूआई के बारे में बात किया तो कुछ चीजें यहाँ पे लिटरली काफी अच्छी करी थी उन्होंने। जैसे कि क्या आप लोगों को मालूम है कि बाकी सारी दूसरी कंपनी जब अपने फोन के अंदर गूगल डायलर को प्रोवाइड कर रही थी, तो सैमसंग एक ऐसी थी कि वो अपना खुद का डायलर अपने फोन के अंदर डाल रही थी और वहां पे वो कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर को दे रहे थे। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि डेफिनेटली गूगल ने कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज को प्रेशराइज किया होगा रॉयल्टीज वगैरह दूसरी चीजों के नाम पे, तभी सारी कंपनीज एक टाइम पे सब लोग गूगल डायलर देना शुरू कर दिया था। लेकिन सैमसंग ऐसी थी जो शायद गूगल से लड़के अपना खुद का डायलर यहाँ पर दे रही थी। यूआई के साथ एक काफी सही चीज मेरे को लगती है कि यार वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहते और अपने यूआई के अंदर नए फीचर्स डालते रहते। जहाँ आज के समय में दूसरी कंपनीज ये डिसाइड कर रही क्या करे क्या नहीं करे, अपना फुल फ्लेश्ड यूआई कैसे दिखाए, ऑलरेडी वन यूआई 6 में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। चाहे हम क्विक सेटिंग की बात करें, लॉक स्क्रीन की बात करें, फोटो एडिटर की बात करें, मैजिक इरेजर जैसा फीचर ये लोग अपने एडिटर के अंदर ले आए, या फिर वीडियो एडिटर के अंदर बात करें, और डेफिनेटली यहाँ पे बिक्सबी, टेक्स्ट कॉल, ऐसे काफी सारे फीचर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं जहाँ दूसरी कंपनी अभी काम नहीं कर रही। और कभी कभी ये देख के लगता है कि शायद दूसरी कंपनी वन यूआई को इस तरीके से देखते हैं कि वहां से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, इंस्पिरेशन लेके अपने यूआई के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। तो इन वजह से जो वन यूआई है वो काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है। हालांकि वन यूआई के बाद में बात बता सकता हूँ, अभी भी जो वन यूआई से रिलेटेड जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है ना, वो है ब्लोटवेयर की। यहाँ पे सैमसंग के फर्स्ट पार्टी ब्लोटवेयर और जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्स आती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम करने की यहाँ पे जरूरत है। अगर थोड़ा सा रिफाइन कर दे, काफी सारी एप्स को ये लोग हटा देना और एक ऑप्शन दे दे कि आप अगर इन एप्स को यूज करना चाहते हो तो गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड करो, तो स्टोरेज भी यहाँ पे कम लेगा और क्लीन और एक स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस यहाँ पर निकाल कर देगा। लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल अगर यूआई को कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ये स्टॉक एंड्रॉइड से तो बहुत आगे निकल जाता है, जो दूसरे स्किन्स और यूआई से उनसे भी काफी आगे निकल जाता है। खैर, ये काफी ऐसी चीज है जो सैमसंग ने अपने यूआई के अंदर काफी इंप्रूव करा है और देख के काफी अच्छा लगता है कि जहाँ एक जमाने पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था यहाँ पे सैमसंग की यूआई को, आज के समय में सैमसंग का वन यूआई लिटरली काफी सारे लोगों का एक फेवरेट यूआई बन चुका है। वेल, आप लोगों को वन यूआई कैसा लगता है, या फिर आप लोगों का फेवरेट यूआई कोई और हो, ये बात नीचे कमेंट बताओ। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब किए, कहीं मत जाना। थैंक यू, देखने के लिए मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।